हम दुश्मनों का बुजदिला नवार नाकाम, बन्नू कंटोनमेंट में हमले की कोशिश पसपा। वतन के आश बहादुर सपूतों ने जामे शहादत नोश किया। 10 दहशतगर्दों के गिरोह ने हमला किया। बारूद से भरी गाड़ी कंटोनमेंट की दीवार से टकरा दी। दीवार का एक हिस्सा गिरने से मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। वतन के 8 बहादुर बेटे शहीद हुए। जवाबी ऑपरेशन में मुअसर तरीके से दहशतगर्दों का मुकाबला। तमाम 10 हमलावरों को जहन्नुम वास्तिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मुअसर जवाब ने बड़ी तबाही से बचा लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से नए इजाशखाना रेफरेंस में तफ्तीश। नैब की टीम डेप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में रियाला जेल पहुंच गई। गुज़श्ता रोज भी नैब ने बानी पीटीआई और अहलिया से 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक तफ्तीश की थी। नए रेफरेंस में 13 जुलाई को गिरफ्तारी टाली गई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाच ने 14 जुलाई को दोनों मुलजिमान का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। पीटीआई कारकुन सनम जावेद इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल। फैमिली के साथ केपी हाउस में रहेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सरकारी रिहायशगाह पर सनम जावेद की मेहमान नवाजी की हिदायत की थी। अली अमीन गंडापुर ने सनम जावेद के वालिद और शोहर के साथ राबिता किया था। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और शहदाए करबला किया। मुल्क भर में 9 मुहर्रम हराम के जलूसों मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में मरकजी जलूस नश्तर पाक से बराबर हुसैनिया ईरानिया पर इख्तिताम पसीर होगा। लाहौर में मरकजी जलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद, रिवायती रास्तों पर रमादमा। पेशावर में हुसैनी हॉल से मरकजी जलूस बरामद हुआ, मुकर्रा रास्तों पर गामजन है। कोयटा में वेकानगी रोड से 2 बजे जुलूस बरामद किया जाएगा। इस्लामाबाद में इमामबाग का असना अशरा सेक्टर G6 से मरकजी जुलूस बरामद किया जाएगा। नारोवाल डीजी खान मुल्तान बहावलपुर हैदराबाद उच शरीफ समेत दीगर शहरों से भी मरकजी जुलूस बरामद। 9वीं मुहर्रमुल हराम के जलूसों की सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। अमन आमा के पेश नजर मुल्क भर में जलूसों के रूट्स पर मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल। किसी शहर में मुकम्मल तौर पर सर्विस बंद नहीं है। लाहौर मुल्तान खानेवाल समेत दीगर शहरों में जलूसों के रूट्स पर राबिते मुअत्तल। रावलपिंडी में 28, रहीम यार खान में 15, मियावाली और बहावलपुर में 11 मकामात पर सिग्नल नहीं। फैसला अमन अमान की सूरत हाल के पेश नजर किया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का जलूसों और मजालिस के लिए कड़े सिक्योरिटी इकदाम का हुक्म। वज़रा को मुख्तलिफ डिविजन्स और अजला के दौरे करने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि आज़ादारों के लिए सबीर और लंगर में भरपूर मुआवनत की जाए। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तैद रहें, पुरम फजा के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। वज़ीर-ए-दाखला सिंध ज़ियाल लंजार का भी सिंध भर में फुल प्रूफ सिक्योरिटी का हुक्म। कहा कि जलूसों और मजालिस पर सिक्योरिटी फहरिस्तों के मुताबिक यकीनी बनाई जाए, ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद कराया जाए।